तो हम देख रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम आ चुके थे एक्शन ऑफ एयर यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक्शन हमने देखा था 13 ग्रुप एलिमेंट्स के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड में HCl का एक्शन दिया है यहाँ पर, एक्शन ऑफ एसिड ऑन 13 ग्रुप एलिमेंट। ओके, 13th ग्रुप एलिमेंट। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोरॉन इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। बोरॉन इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव विथ एसिड। आप बोलेंगे हमने तो पढ़ा वो बेसिक होता है, उसका हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है ना, ठीक है, रिएक्टिव विथ नॉन रिएक्टिव विथ एसिड। तो ये इनर्ट नेचर शो करता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। तो बोरॉन इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव विथ एसिड्स। हाँ, लेकिन आगे जाएंगे आप एल्युमिनियम वगैरह तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर Al, 2 मोल्स ऑफ Al प्लस आप यहाँ पर रहते हैं 6 मोल्स ऑफ HCl। तो अपने को पता है Al का वैलेंसी कितना है, 3। ट्रायवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है आमतौर पर, ठीक है। तो वो आसानी से बन जाएगा AlCl3। तो 2 Al है और 6 Cl है, तो 2 मोल्स ऑफ AlCl3, AlCl3, AlCl3। ओके, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग बचे कितने, 6 हाइड्रोजन, वो बन जाएगा 6H2। 6 हाइड्रोजन यहाँ से, यानी H3H2, 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, वो यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए काम में आ सकते हैं। ओके, सो इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। अगर कोई सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर अगर हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो वो प्रूफ करता है यहाँ पर कि उसका नेचर क्या है, बेसिक है, ठीक है। और जो सब्सटेंस किसी बेस के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन लिबरेट करता है उसका प्रूफ होता है कि वो एसिडिक है। तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है बट इन एक्वियस मीडियम, वाटर के 6 मोल्स लिया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर बनाता है AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। ओके, AlOH थ्राइस, यहाँ पर OH अपने को चाहिए था कितने, यस 3 चाहिए OH। अपने पास कितने OH है, वाटर के पास 6 है और यहाँ पर कितना है, 2, बराबर है। एक OL कितने OH लेकर गया, 3। ओके, दूसरा AL कितने लेके जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 OH थे। ओके, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि जो एल्युमिनियम होता है AL वो आसानी से बनाता है AlOH 4 times। बोरॉन भी बनाता है ना इसे विथ माइनस चार्ज, याद है क्या आपको, कल देखा ना हमने। ओके, तो अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ पर 4 और इसको लगा दें माइनस चार्ज, मतलब Al की वैलेंसी तो 3 है, 3 बॉन्ड तो बनाता है लेकिन उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, तो OH उसमें ऐड हो सकता है, टेट्रावेलेंट बन सकता है वो। तो 4 OH, मतलब यहाँ पर 2 NaOH में कितने OH है, 2, और यहाँ पर कितने OH है, 6, कितने हो गए, 8। एक Al ने 4 OH ले गया, दूसरे ने 4 लेकर गया, हो गए। अब बचे यहाँ पर क्या, यस 2 Na तो छोड़ दो, ये 6H2 बचे ना, यहां से 6H2 एलिमिनेट हो गया, 6H2। तो इसने भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया बेस के साथ में, तो एसिडिक नेचर प्रूफ होता है। कितना H2, 3H2 कैसे, 6 है ना, 6 2 12, यस वेरी गुड। हाँ ये 6 है तो इसके H6 बचे ना, वेरी गुड। तो क्या बनाएगा, 3H2। अब क्या बचा, 2 Na, ये एक स्क्वायर पर एक माइनस चार्ज है तो उसके साथ एक Na प्लस आएगा, दूसरे के साथ एक आएगा, हो गए 2 Na+, समझा आपको, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है Na2AlOH 4 times। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके,
तो यहां पर ये Al एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और Al बेस के साथ भी रिएक्ट किया है, तो उसका नेचर प्रूफ होता है एम्फोटेरिक। सेम रिएक्शन देगा कौन अपना, गैलियम। गैलियम भी सेम रिएक्शन देगा क्योंकि दोनों एम्फोटेरिक है ना नेचर में, कल देगा ना, दोनों एम्फोटेरिक है तो दोनों एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन देंगे। और उसके बाद वाले इंडियम और थेलियम क्या थे, बेसिक इन नेचर, तो वो ओनली एसिड के साथ रिएक्शन देंगे। समझा आपको? ओके, तो ये हुआ यहां पर इसका नेचर या रिएक्शन विथ एसिड। अगर आप चाहे तो यहां पर गैलियम का रिएक्शन भी बना सकते हैं, सेम रिएक्शन मिलने वाला है। लेकिन आगे जाएंगे आप इंडियम, इंडियम को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगेन 2 मोल्स लेना पड़ेगा, 6 मोल्स लेना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा वो, 2 मोल्स ऑफ INCl3। जैसे AlCl3 बना वैसे INCl3 प्लस 3H2। ओके, बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा, जो जनरली बेस के साथ रिएक्शन क्या करता है, नहीं देगा, बेसिक इन नेचर है ना, तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो थैलियम है, थैलियम भी देता है, लेकिन थैलियम में स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में ज्यादा बेटर होती है, प्लस वन स्टेट में। थैलियम TL है ना, TL एंड CL बनाता है, TLCL, इट इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन दी प्लस 3 स्टेट, क्योंकि इसको आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एक्साइटेड स्टेट इजीली फॉर्म नहीं होता है, तो एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा तो इस सूरत में 13 ग्रुप के पास पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। समझा आपको? अब एक ही बॉन्ड बनाएगा तो TLCL, इसके लिए अपने को एक ही चाहिए, तो एक हाइड्रोजन बचा तो क्या निकालेंगे उसको अपन, ½H2। समझा आपको? तो ये था एसिड और बेस के साथ रिएक्शन 13 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। बोरॉन इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? ओके, इसको स्टॉप करो।